प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सूफी इकरा समिति और नेशनल अस्पताल रीवा के सौजन्य से रीवा के लड़कियों के घोघर स्कूल में एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कैंसर की जांच, तमाम तरीके की जांच निःशुल्क होगी। इस शिविर के माध्यम से सबसे बड़ी बात, हृदय रोग विशेषज्ञ सुपर अस्पताल HOD डॉक्टर VD त्रिपाठी CPR के माध्यम से हृदय घात आने पर किसी आदमी की जान कैसे बचाए के बारे में विस्तार से बताएंगे। डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनोज इंदुलकर खास तौर से शिविर में मौजूद रहेंगे। आंख की समस्त जांचें निःशुल्क होंगी। जांच को लेकर नेशनल अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश ने पूरी जानकारी दी, साथ ही सूफी इकरा समिति के लोगों ने भी बताया हम किस तरीके से इंतजाम करेंगे, वहां पर क्या क्या सुविधाएं होंगी। आइए सीधे आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में और सुनाते हैं डॉक्टर अखिलेश और उनकी टीम ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। ये जो शिविर है ये अपना सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान समिति के द्वारा 17 तारीख को रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इस शिविर में खास बात ये है कि रीवा में जो मैं पिछले कई वर्षों से करता आया हूँ कि कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे, जैसा कि मुँह का कैंसर सबसे सामान्य है पुरुषों में जो गुटखा तम्बाकू खाते हैं, उसकी जाँच करेंगे, परीक्षण भी करेंगे, लगेगा तो हम बायोप्सी का किट भी लेके आएंगे और उसकी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें निःशुल्क दी जाएगी। दूसरा, महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी का कैंसर या छाती का या फिर कहे स्तन का कैंसर है उसका भी परीक्षण किया जाएगा स्पेशलिस्ट के द्वारा और उसकी भी लगेगी तो साथ में साथ जांच करेंगे, सारी चीज़ें निःशुल्क रहेगी। और अच्छी बात यह है जो कि हमारा शुरू से ही मोटिव रहा है कि हम मिनिमम में मैक्सिमम सेवाएँ दे सकें, तो इसमें जैसे सरकारी योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, अब हम ESIC से भी जुड़ गए हैं, मेडिक्लेम से भी जुड़ गए हैं, तो यदि किसी मरीज को कोई बीमारी डिटेक्ट होती है या जांचों में आता है कि हाँ इनको ये हो गया है तो आगे भी अनवरत रूप से हम उनको निःशुल्क इलाज दे पाएंगे कैंसर। साथ ही साथ हम इसमें मेडिसिन में डॉक्टर इंदुलकर सर रहेंगे जो कि हमारे डीन सर हैं, डॉक्टर उमेश प्रताप रहेंगे। हड्डियों की जांच के लिए एक हम स्पेशल मशीन ला रहे हैं जिसको बोन मैरो डेंसिटी बोलते हैं। इसमें जो हमारी सामान्य हड्डियाँ होती हैं दिखने में तो लगती हैं कि सामान्य है पर अंदर से कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो सकती हैं कि वो हों, तो उसकी भी जांच हम निःशुल्क करेंगे और आगे आने वाली बीमारी को हम उस मशीन से पहले ही पकड़ करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर VD त्रिपाठी सर रहेंगे, वो हमें एक सबसे ज़रूरी हिस्सा जीवन का सिखाएंगे जिसमें वो CPR जिसे बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, कि कभी भी कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, घटना दुर्घटना हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो कैसे मरीज को लाइफ सेविंग प्रोसीजर आप घर पे दे सकते हैं, इसका भी लाइव डेमोंस्ट्रेशन वहाँ पे दिया जाएगा या ट्रेनिंग का एक हिस्सा साथ में हम एजुकेशन पर्पज से दे सकते हैं। इसके अलावा अभी कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को दमा और फेफड़े की शिकायत समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए एक अलग मशीन होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिससे फेफड़ों की क्या क्षमता है अभी उसको भी जांचने की हम मशीन उस दिन इंस्टॉल करेंगे और वो देखेंगे कि क्षमता क्या कैसी है, कम है तो उस हिसाब से उनको इलाज दिया जाएगा। ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं और मशीनें हैं जो कि हम उस शिविर में उपलब्ध कराते हैं। तो बात करें तो लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, कैंसर हो गया, मेडिसिन हो गया, आपका आर्थोपेडिक हो गया, पल्मोनरी मेडिसिन हो गए, गायनी के गुड मैडम रहेंगे, डेंटल के रहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट शिशु रोग विभाग है वो रहेंगे, ऐसे लगभग 10-12 डिपार्टमेंट जो सारे ज़रूरी डिपार्टमेंट हैं सारे लोग रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला 17 तारीख को यहाँ रहेंगे, उन्होंने कहा है कि हम आ जाएंगे सैटरडे नाइट में इवनिंग में, और कितने लोगों का यह निरीक्षण करा पाएंगे, मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिविर का लाभ लें, निःशुल्क है और सब एक्सपर्ट के द्वारा जाँचें हो रही हैं। सूफी प्रतिभा सम्मान समिति का सेक्रेटरी हूँ और ये हम लोग आपस में बैठ के चर्चा किए कि ये हेल्थ शिविर लगाया जाए और इसमें समाज के सभी लोगों का इलाज हो और सभी लोग मिल के इसको कर सकें, तो ये जावेद भाई से हमारी लोग की मुलाकात हुई, आपके परामर्श में ये सब बैठक हुई और सब काम हुआ, डॉक्टर साहब से माध्यम से ये सब काम किया जा रहा है और इसमें करीब
1500 से 2000 तक लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा और इसमें जांच भी होगी। इसमें डॉक्टर साहब रहेंगे अखिलेश पटेल जी, डॉक्टर मनोज इंदुलकर जी और वी डी त्रिपाठी जी, डॉक्टर फरहाद सिद्दीकी आई स्पेशलिस्ट और भी जितने भी डॉक्टर हैं सब इसमें उपस्थित रहेंगे इंशाल्लाह और निःशुल्क अच्छे से अच्छा परामर्श इसमें दिया जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हम लोगों का तीसरा प्रोग्राम है। आप लोग जानते हैं कि दो प्रोग्राम हम लोग इसके पहले भी बच्चों का करा चुके हैं, उसके बाद हज का प्रोग्राम कराते हैं और इस क्लब के माध्यम से हम लोग निरंतर शहर में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत ये सर के जो अस्पताल है नेशनल हॉस्पिटल, उनके संयुक्त से ये प्रोग्राम आया कि हम इसको करें और इसमें 2 से 2500 लोगों को फ़ायदा होगा और हम तमाम इसका प्रचार आज से चालू कर दिए हैं। तो ये देखा गया कि आज हेल्थ के प्रति लोग जागरूक उतने नहीं हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग जागरूक जब तक नहीं होंगे तो इलाज नहीं करवा पाते और इलाज नहीं करवा पाते तब पहुँचते हैं हॉस्पिटल जबकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मर्ज। तो वो जागरूकता की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर साहब से मिलकर और ये जो है तय किया कि समाज में जो ये भ्रम की स्थिति है कि इतने में कुछ नहीं होता इतने में कुछ नहीं होता उसको दूर करें और उनको जो है जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें जिससे वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हों और समय रहते इलाज करा लें अपना और निरोग रहें, स्वस्थ रहें और समाज स्वस्थ रहेगा तो अपना रीवा स्वस्थ रहेगा। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी आकांक्षा है। इसीलिए ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।